तो कैसे स्वागत है वीडियो के साथ। तो आज हम खेलने वाले हैं क्राफ्ट मोड, वो भी माइनक्राफ्ट के अंदर, और ये भी मोबाइल वाला है। और भाई से मोबाइल समझ के भूल मत करना, इसमें बहुत सारा चीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा मशीनें हैं। ये पूरा मोड पैक सिंपली मशीनों पर बेस होने वाला है। और यहाँ पर मेरे को आते कुछ इस टाइप के मिल चुके। ओके, तो यहाँ पर हम एरोप्लेन बना सकते हैं, मतलब हाँ जागो वाले को देखा होगा, जिसकी हम ट्रेन बना सकते हैं, जिसमें हम एरोप्लेन भी बना सकते हैं। हाँ भाई, इसमें हम एरोप्लेन, और यहाँ पे कुछ चेस्ट भी है जिसमें कि एक बुक है। ओके, तो इसमें पता नहीं क्या काम है उधर, कई ज़्यादा मतलब नई क्राफ्टिंग टेबल्स है उधर कुछ। ओके, इधर रेस्टोरिंग का सामान है, तो जो जो मिलता है भाई ले लेते हैं इधर से, क्योंकि आगे जाके रेस्टोर मतलब सारी चीज़ें काम आने वाली है उसमें। रेस्टोरिंग इतनी ज़्यादा ओपी है ना। ओके, तो मैंने सब चीज़ें इधर से तो ले चुका हूँ, और थोड़ी सी वुड भी ले लेते हैं, और देखते भाई इसमें क्या क्या है। और इसमें भी फ्यूचर में और चीज़ें ऐड होगी, मतलब और मोड्स जो के वो ऐड हो गए, और डाउनलोडिंग मन मांगने लग जाना भाई। इसकी डाउनलोड वीडियो मैं शायद से ना बनाऊँ, वो देखोगा भाई इसे, इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तभी डालूँगा। और यहाँ पे भाई मशीनें देखो अभी अभी से कितनी ज़्यादा है, और फ्यूचर में भी और मशीनें ऐड होगी इसमें, तो एकदम तगड़ा मोड पैक बनने वाला, मैं सच्ची कह रहा हूँ। और खेलने में भाई मज़ा आएगा, और आपको देखने में मज़ा आएगा। और यहाँ पे कुछ न्यू टाइप की चीज़ें बन रही है। ओके, तो यहाँ से क्राफ्टिंग टेबल लेते हैं और एक्सप्लोरिंग करते हैं थोड़ी सी। ओके, तो मेरे को एक परफेक्ट प्लेस तो मिल चुका है जहाँ पे घर बना सकते हैं। हाँ, मैं इस टाइप बना इधर बनाने वाला हूँ, कोई ज़्यादा प्लेन वाला एरिया में नहीं बनाने वाला, ठीक है। मतलब साइड में लेक और एक पीछे जंगल एकदम मस्त, और इधर कुछ हम ये बना सकते हैं, और शायद से इसका लीव्स काटने का काम होगा, तो देखते हैं। और हाँ, ये लीव्स ही काटा, मतलब शेयर टाइप का वो पूरा वर्क कर रहा है, जो कि भाई मस्त है। इसे हम इसका भी हमें बताता हूँ यूज़ क्या है। सबसे पहले लीव्स काट लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले प्लैंक्स बना लेते हैं यहाँ पे, और उसी के साथ देखते क्या क्या। ओके, यहाँ पे कंप्रेस लीव बन रही है, और यहाँ पे कुछ बैरल ऐसा कुछ बन रहा है, जिससे कि हमें सिंपली मतलब पानी बना सकते हैं। हाँ, और यहाँ पर कुछ और नई नई चीज़ें भी है, तो सबसे पहले यही हर टाइप का बना के देखता भाई इसमें क्या क्या, इन सब का क्या क्या यूज़ है। तो ये एक आ चुका है, ये दूसरा, और कौन सा रह रहा है। ओके, ये भी आ चुका है, तो हमने सब अलग अलग टाइप के बना दिए हैं, और इन सब का यूज़ भी मैं बताऊँगा भाई कैसे यूज़ करना है इन सब को, ठीक है। तो इनमें सबसे पहले ऐसे डलेगा लीव्स, तो लीव्स का मेरी इन्वेंट्री में। ओके, ये लीव्स, तो लीव्स डाल के इसमें नहीं डल रहा, तो ओके इसमें डलेगा। इसमें लीव्स से हम डर्ट ब्लॉक बना सकते हैं, ठीक है, जो कि स्काई ब्लॉक में काम आएगा, लेकिन कोई नहीं, इसमें ये भी है तो सही है, फ्यूचर में कभी काम तो आएगा ही। ओके, तो डर्ट ब्लॉक नहीं डाल सकते, सिर्फ लीव्स का मतलब इसमें काम है। और यहाँ पर इसमें भी पानी बन जाएगा, तो देखते भी उसमें हम क्या और बना सकते हैं। ओके, तो अब मेरे को बनाना है ये कुछ छन्नी टाइप, एक सेकंड में जरा ये प्लैंक्स खत्म करता हूँ। तो ये मेरे को सिंपली ये बनाना है, तो उसके लिए स्टिक बना लेते हैं, और ये भी आ चुका है छन्नी, और इसे इधर प्लेस कर देते हैं। और इससे भाई हमें मटेरियल्स मिलेंगे। अभी आप सोच रहे हो भाई ये क्या सैपलिंग वैपलिंग मिले, तो नॉर्मल में मिल जाएगी, लेकिन हमें इससे डायमंड भी मिलेंगे। हाँ, तो सिंपली डायमंड के लिए हमें सैंड और ग्रेवल चाहिए होगा, और यहाँ पर भाई रॉड भी हो सकता है। सबसे पहले शीप को मार के भाई बेड भी बना लेते हैं, तो ये आ चुका है हमारा बेड, और सो जाते हैं अब। ओके, तो अब सुबह होने का वेट करते हैं, और यहाँ से थोड़ा सैंड भी ले लेते हैं, क्योंकि सैंड भी भाई हमारे काम आने वाला है। तो इतना सैंड, एक सेकेंड, थोड़ा ज़्यादा ही ले लेते हैं। ओके, इतना ले लेते हैं। अब सिंपली हमें जाना छन्नी के पास, और इस पर क्लिक करना है। ओके, तो इधर से हमें मटीरियल मिल रहा है, जो कि भाई हमें डायमंड भी मिल रहा है इसमें। हाँ, जिससे कि भाई हम डायमंड से एकदम इजीली क्राफ्ट कर सकते हैं। ओके, तो मेरे को सिर्फ एक डायमंड इंगट मिला है, तो इसमें डायमंड नहीं मिलता डायरेक्ट, लेकिन ये बुरी बात है। और यहाँ पे ग्लोबल स्टोन क्राफ्ट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे मैं अपना सारा सामान भी डाल देता हूँ। ओके, सामान भी अब डल चुका है, और इससे कभी मेरी स्टोरेज भी एकदम खाली हो चुकी है। ओके, अब थोड़ी सी वुड माइन भी कर लेते हैं, और अपने लिए एक बेसिक सा घर भी बना लेते हैं। और साथ में इसमें भाई नए मोड भी ऐड हुए हैं,
और अभी तो भाई इसमें और मोड भी ऐड हो गए, ठीक है, मतलब फ्यूचर में भी इसमें और ज़्यादा मोड ऐड होने वाले हैं, जो कि भाई इस मोड पैक को जो कि बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल ले जाने वाला है, ठीक है। तो अभी इसमें मैंने दो चार मोड अभी और ऐड किए हैं, और आपको भी खेलना है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। और यहाँ से थोड़ी सी सैंड भी ले लेता हूँ, क्योंकि इधर से मतलब डायमंड भी निकलेगा इससे, मतलब ये डायमंड ही माइन कर रहा हूँ एक टाइप से। हाँ मतलब लॉजिक तो बनाता है थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ चलो कोई नहीं। तो मैंने अभी काफ़ी सैंड तो ले लिया, तो उनको देखते हुए मैं कितना डायमंड मिलता है। इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ एक ही डायमंड बन पाया, लेकिन चलो कोई नहीं भाई, इतना भी चलता है। और इसमें मैं एक और चीज़ बना सकते हैं, जैसे कि मैं दिखाता हूँ ज़रा। और यहाँ गए, ओके, तो यहाँ पे आ चुका है हमारी सीट भाई, जिसमें मतलब हम सीट भी बना सकते हैं। और एक सेकेंड, इसे प्लेस कहाँ करें, ओके इधर करते हो, इस पर हम बैठ भी सकते हैं। और अभी तो आपको पता नहीं चल रहा होगा कि हम बैठे, लेकिन देखो भाई इसमें पूरा एनिमेशन आ रहा है। अगर कोई दूसरा प्लेयर होगा ना, तो उसे दिखेगा कि हम बैठे हुए हैं। और जो कि इसमें मैं अपने घर के अंदर रखने वाला हूँ, और घर मैंने सिर्फ अभी काम चलाओ बनाया है, क्योंकि फ्यूचर में भाई अभी हम एकदम मस्त ओपी वाला घर बनाएंगे, तो उसके लिए तो अभी बस एक बेसिक हाउस है ये। और साथ में हम ये एक बैरल, ये स्टोन वाला बनाने वाले हैं, ठीक है, और इससे हम लावा बना सकते हैं, ठीक है। तो मतलब हमें केव में जाने की अब कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लावा हम ऊपर ही बना सकते हैं, जिससे कि हमारा बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाएगा। और मेरे को एक जनरेटर भी बनाना, तो ये बहुत हेल्पफुल है। और यहाँ पे मैं अपना सारा सामान भी सेट कर लेता हूँ भाई, क्योंकि अच्छा तो लगना चाहिए, मतलब स्टार्टर घर है तब भी। और यहाँ पे मेरे पास कुछ डर्ट भी है, तो एरिया भी प्लेन कर देते हैं। और यहाँ पे हम एक और चीज़ बना सकते हैं, एक सेकेंड सर, ये बनाते हैं, और ये लैडर वाली चीज़, एक सेकेंड। और हाँ, इससे सिंपली बनेगा क्या, जो भाई जो ओल्ड प्लेयर्स होगा उनको पता चल जाए, हो गया होगा, इससे लैडर बने, मतलब लैदर बनेगा, ठीक है। और इसे हम ऊपर भी प्लेस कर सकते हैं, ओके, तो इसे ले लेते हैं। और बनेगा कैसे वो भी मेरे को खुद नहीं पता, लेकिन देखेंगे भाई ट्राई करके कैसे बनता है। ओके, इसे इधर प्लेस करते हैं, ओके। तो अब हम थोड़ी मशीनों पे भी काम करते हैं, क्योंकि पूरा मोड मशीनों पे डिपेंड ही है, तो हमें सबसे पहले मशीन भी बनाने होंगे। तो ये वाला मोड है भाई, इस पर हमें काम करेंगे, क्योंकि इसे ये इजी टू क्राफ्ट है, मतलब स्टार्टिंग के लिए, और ज़्यादा कुछ मांगता भी नहीं है। तो सबसे पहले हमें चाहिए थे थोड़ा वुड, तो वुड तो है, तो ये सब क्राफ्ट बना लेते हैं। और यहाँ पे हम, ओके, तो माय, ओके, मेरे को वाटर व्हील चाहिए था, एक सेकेंड यहाँ पे, ओके। तो वाटर व्हील का स्किन इनविजिबल है, कोई ना भाई, वो भी फिक्स हो जाएगा। और सबसे पहले वाटर व्हील कैसे बनेगा, उसकी रेसिपी देख लेते हैं। ईजी है बनाना, मतलब सिर्फ चार वो चाहिए, ओक वुड तो भी कलेक्ट करके लाते हैं, बस मेरी एक्स ना टूट जाए भाई। ओके, तो सबसे पहले वो कलेक्ट करके फिर बनाते, ओके, क्राफ्ट इधर, और ओके आ चुका है, उसकी स्किन इनविजिबल है, ओके। तो भाई मेरे को पता चल गया कि कैसे फिक्स होगा, तो एक सेकंड पहले मैं फिक्स करके ही आता हूँ फिर, ओके। तो इधर फिक्स तो हो चुका है, और यहाँ पे हम सभी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें सिंपली वाटर व्हील लगाना है, और सबसे वाटर व्हील पानी के अंदर होना चाहिए, एक सेकेंड मैं ज़्यादा देखता हूँ ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। हाँ सर, से नीचे होना चाहिए पानी के, तभी ये वर्क करेगा। तो एक सेकंड, मैं ज़रा जगह चेंज करता हूँ, ओके। तो इस साइड ये सही है, क्योंकि इधर पानी का वाला भाव भी आ रहा है, तो सही रहेगा ये प्लेस। और यहाँ पे हम बना सकते हैं अपना मशीन वाला, ओके ओके ओके। तो ये वर्क कर रहा है, क्योंकि हिलते हुए आपको दिख रहा होगा, और उसके मतलब इतनी मतलब सही से, इतना सही से नहीं दिखेगा हिलते हुए, क्योंकि भाई लैग ज़्यादा होगा, तो उसका ज़्यादा एनिमेशन नहीं है, लेकिन जो भी है भाई मस्त है, ओके। तो यहाँ पे हम हैमर भी बना सकते हैं, तो ज़रा बना के देखते हो इसका क्या यूज़ है, ओके। तो ये आ चुका है हमारे पास स्टोन हैमर, और ये हमें स्टोन के बदले ग्रेवल दे रहा है, और जो कि मतलब हमारे डायरेक्ट इन्वेंट्री में आ रहा है, तो उससे मतलब लैग बहुत कम होगा, वो जो कि बहुत सही मतलब सही चीज़ है, और टूट भी फास्ट रहा है। तो यहाँ से मैं थोड़ा ग्रेवल इकट्ठा कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। और यहाँ पे हम क्राफ्ट कर लेते हैं बकेट, तो दो बकेट चाहिए होगी हमें सिंपली, एक में हम रखेंगे लावा और एक में रखेंगे हम वाटर, ओके।
क्योंकि हमें चाहिए भाई इस जनरेटर मतलब ग्लोबल स्टोन जनरेटर। तो अंदर जाते हैं उसे क्राफ्ट कर लेते हैं। एक सेकंड, कौन सा वाला चाहिए हमें? ओके तो ये वाला ही चाहिए। कर लिया है हमने ये क्राफ्ट और यहाँ पे इसे लगा भी देते हैं ताकि हमें रिसोर्सेज मिलते रहे भाई आराम से, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। वैसे टॉप पे लगा देते हैं और ओके तो ये भी वर्क कर रहा है। जरा मैं गिनती भी कर लेता हूँ सही लगा या नहीं। ओके ओके तो सही है। और यहाँ पे हम लगा देते हैं ऊपर। और मेरे को दो क्रशर भी चाहिए हो गए जिनको हमें वो भी क्राफ्ट कर लेते हैं, देखते भाई वो कैसे बनते हैं। और अबे नीचे हो, ओके तो वो भी देखते भाई कैसे क्राफ्ट हो गए। तो नीचे देखते थोड़ा, हाँ कहाँ है क्रशर? ओके ये रहे क्रशर। तो दो क्राफ्ट कर लेते हैं ये, क्योंकि हमें सिर्फ दो की ज़रूरत है। फ्यूचर में अगर हम इसका मतलब ज़्यादा बड़ा फार्म बनाते तो तब ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अभी के लिए तो नहीं, ठीक है। और हमको इसके नीचे लगाना है तो एक इधर लगाना है। ओके तो इसको एक गैप छोड़ के फिर हमें लगाना है, वरना ऐसे वर्क नहीं करेगा। ओके तो हो चुका। मेरे को एक और चाहिए होगा छन्नी टाइप ऑटोमेटिक, जिससे कि भाई हमें रिसोर्स जो कि वो भर के मिलेंगे। तो वो बनता कैसे वो भी देख लेते हैं। ओके तो ये स्ट्रिंग चाहिए। स्ट्रिंग के लिए भाई अभी तो मेरे पास है नहीं स्ट्रिंग, तो कभी स्पाइडर मिलेगा तो उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे, स्ट्रिंग ले लेंगे। ओके तो गाइस आज की वीडियो धरी एंड होती है, और आपको वीडियो कैसे लगता है कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो अभी इसका पार्ट वन है, और पार्ट मतलब जैसे जैसे पार्ट बढ़ते जाएंगे ना, इसकी जो कि मतलब मशीन वाली चीज़ है भाई वो एडवांस होती जाएगी। और जब एंड में भाई आप खुद देख रहे हो मतलब कैसी ओपी ओपी मशीनें होगी इसमें। और अभी तो मतलब ये बहुत बेसिक है, मतलब एकदम बेसिक लेवल के ये सब चीज़ है, लेकिन वो सब चीज़ें तो हम फ्यूचर में करने वाले। तो अभी के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।